पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की हो गई इंटरनेशनल बेइज्जती। दुनिया में अपनी कितनी फसीहत कराएंगे पाक पीएम इमरान खान। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का सबसे ज्यादा दर्द पाकिस्तान को हो रहा है। मदद के लिए दुनिया के तमाम देशों के आगे नतमस्तक नजर आए पाक पीएम इमरान खान के कंधे पर चीन को छोड़कर किसी ने भी हाथ रखना मुनासिब नहीं समझा। इतने ही नहीं, यूएन में भी उसकी खूब फजीहत हुई। इसके बाद अब सोशल मीडिया पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जिससे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की साख पर और बट्टा लग रहा है। दरअसल गूगल सर्च इंजन पर भिखारी सर्च करने पर पाक पीएम इमरान खान की फोटो आ रही है। गूगल इमेज में दिख रही इस फोटो में पाक पीएम इमरान खान हाथ में कटोरा लिए बैठे हैं। हालांकि ये तस्वीर एडिटेड है और इसमें इमरान खान के हाथ में एक कटोरा लेकर भीख मांगते हुए दिखाया गया है। तस्वीर को एडिट कर इमरान को सड़क पर बैठे भिखारियों की तरह दिखाया गया है। इस फोटो से जहां पाक पीएम इमरान खान की इंटरनेशनली बेइज्जती हो रही है, तो वहीं सोशल मीडिया पर भी इस ट्रेंड को लेकर इमरान खान का खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। उधर गूगल में इमरान खान को भिखारी के रूप में दिखाए जाने से पाकिस्तानी खासा नाराज है। वहाँ के लोग इसके लिए गूगल के CEO सुंदर पिचाई को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सोशल मीडिया में पाक यूजर्स तर्क दे रहे हैं कि पिचाई के भारतीय होने की वजह से उनके पीएम के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। हालांकि गूगल की ओर से इस बारे में अभी तक कोई सफाई नहीं दी गई। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब गूगल पर इस तरह की घटना हुई हो। पिछले दिनों गूगल पर बेवकूफ या फुलिश लिखने पर रिजल्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोटो सामने आती थी। इस घटना को लेकर काफी विवाद हुआ था। असल में गूगल सर्च इंजन को इस तरह बनाया गया है कि जब किसी शब्द को टाइप कर बार बार ढूंढा जाता है, तब सर्च इंजन उस कीवर्ड को लोकप्रिय की श्रेणी में शामिल कर लेता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान इन दिनों भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वहाँ की जनता महंगाई की मार झेलने को मजबूर है। सेंट्रल बैंक का रिजर्व खाली हो रहा है। इससे बाहर निकलने के लिए इमरान खान हर हथकंडा अपना रहे हैं। वो दुनिया के कई देशों से कर्ज लेने के लिए टूर पर टूर कर रहे हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। इंडिया न्यूज़ भारत की रिपोर्ट।